नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रोन अब लोगों को डराने लगा है। जितने भी विभाग हैं वो अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी अब इसके जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। भारत में लगभग 17 से भी ज़्यादा जो है अब नए मामले देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि भारत में भी ओमिक्रोन के जो मामले हैं वो 21 के पार हो गए हैं। रविवार को लगभग 17 मामले आए थे, जिसमें 9 मामले जो हैं वो राजस्थान के राजधानी जयपुर से आए थे, 7 महाराष्ट्र के पुणे से और 1 मामला भारत के अन्य जगह से आया था। ऐसे में ओमिक्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले रहा है, जिसको लेकर तमाम जो विभाग हैं वो भी अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे भी अब इसको लेकर अलर्ट मोड में आ गया है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल प्रमंडल CPR अरविंद कुमार रजक ने इसके लेकर के जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से जो तमाम रेलवे स्टेशन है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत, उन सभी जगहों पर ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी है। सभी जगहों पर तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन सभी लोगों को कोरोना के अब जांच की जाएगी, और लोगों से साथ ही साथ वो लोगों से भी अपील करें कि जो लोग भी बाहर से आएंगे वो लोग स्टेशन पे ही अपनी कोरोना जांच जो है वो करवा लें। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा एक बार आप सुनिए उनको। COVID-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनज़र पूर्व मध्य रेलवे ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। इसके तहत हमारे 6 मंडलीय रेल अस्पताल पूरी तरह से तैयार एवं सजग हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी न हो इसके लिए हम लोगों ने 6 मंडलीय रेल अस्पताल और केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर लिया है। दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और सोनपुर मंडल रेल अस्पताल में यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू भी हो चुकी है, और धनबाद और समस्तीपुर में आने वाले दिनों में यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई की शुरुआत हो जाएगी। जितने भी हमारे यात्री ट्रेनों से आ रहे हैं उनके लिए स्टेशन पर राज्य सरकार के सहयोग से COVID-19 की चेकिंग की जा रही है। आपके माध्यम से मेरा यात्रियों से निवेदन है कि वे जब कभी भी आएँ तो अपना चेकिंग अवश्य करा लें और चेकिंग करने में भारतीय रेल एवं राज्य प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। तो आपने दानापुर रेल प्रमंडल CPRO अरविंद कुमार रजक को सुना है, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब पूर्व मध्य रेलवे जो है वो अलर्ट मोड में आ गया है ओमिक्रोन को लेकर के, ताकि खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़े नहीं। उससे पहले ही रेलवे प्रशासन जो है, पूर्व मध्य रेलवे जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर ले, इससे लड़ने के लिए तैयारी कर ले। साथ ही साथ उन्होंने यात्रियों से भी अपील किया है कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं वो अपना कोरोना की जो जाँच है वो रेलवे स्टेशन पर ही करवा ले, ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। ये लोगों की जागरूक होने की वजह है, लोगों को खतरा से बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने तमाम बातें कही, आपने सुना है। हमारे साथ बने हैं, हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।